हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ मूंग दाल के बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाना। मूंग की दाल का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप मूंग की दाल ली थी, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगोया था और उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो इस तरीके का पेस्ट मैंने तैयार किया है। तो ऐसे हमें पेस्ट की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे, और डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में यहाँ पर तेल ले लिया है, और जो हमने बैटर तैयार किया है मूंग की दाल का, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे 2 से 3 मिनट। और गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऐसे हम स्पून पे लेंगे मूंग की दाल और ऐसे डाल देंगे। और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, तो आप इसे मॉर्निंग में भी बना सकते हैं या फिर किसी भी टाइम इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी बढ़िया मूंग की दाल दी है। अब इनको अच्छे से फ्राई करेंगे हम दोनों तरफ से। यहाँ पर जो मैं मूंग की दाल की क्वांटिटी ली है वो आप अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए बहुत आराम से ये निकल भी जा रहा है। अब दूसरी तरफ से भी इसे हम पलट कर फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए फ्राई करेंगे इसे हम। मूंग की दाल में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिंपल मैंने पेस्ट बनाया और उसके बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ना मैंने इसमें नमक तक नहीं डाला है, नमक हम बाद में यूज करेंगे। तो ये देखिए मूंग की बढ़िया हमारी सारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर। तो अभी इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सभी बरियों को प्लेट में निकाल लिया है, और यहाँ पर मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और हम इसे पानी में डाल देंगे। तो ये पीने वाला पानी है, तो सारी बरियां मैं इस पानी में डाल दे रही हूँ, और बाकी बची हुई बरियां भी हम बिल्कुल ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। पानी में डालने के बाद इसे 15 मिनट हम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि जो बरियां हमारी फूल जाएं। तो मैं इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रही हूँ 15 मिनट के लिए, और तब तक हम इसका पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दही का यूज नहीं कर रही हूँ, दही की जगह पे मैंने पानी लिया है और ये ठंडा पानी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक, और पानी यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप के करीब लिया है, और 1/4 चम्मच ही मैं यहाँ पर काला नमक डाल रही हूँ, और 1/4 चम्मच ही यहाँ पर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, और साथ में यहाँ पर मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। तो 1 नींबू का रस डालेंगे इसमें। तो जैसा भी आप खट्टा पसंद करते हैं उसके अनुसार यहाँ पर आप नींबू के रस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 नींबू पूरा डाल रही हूँ। सारी चीजें डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। अगर इसमें नमक कम ज़्यादा है तो उसे हम पानी डालकर या फिर नमक डालकर ठीक कर सकते हैं। तो मिलाने के बाद इसे हम टेस्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया है। तो ऐसे ही आप टेस्ट करके इसका नमक और नींबू सारा सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही हूँ, हरी मिर्च का यूज़ करने वाली हूँ, जिससे कि और भी टेस्टी लगेगा। तो जो हमने पानी तैयार किया है उसमें हम एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन गैस पे चढ़ा दिया है। 2 चम्मच के करीब सरसों तेल डालेंगे। और मैंने गैस को ऑन कर दिया है, तो तेल को गर्म होने देते हैं पहले। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च मैंने लंबे लंबे काट रखे हैं, पतले पतले। आप चाहें तो इसे आप छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। Thank you.
और साथ में यहाँ पर मैं जीरा डाल रही हूँ, तो एक चौथाई चम्मच जीरा लिया है मैंने यहाँ पर, और जीरे को भी अच्छे से भून जाने देंगे। तो गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ और ये देखिए जीरा भी हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छा कलर आ गया है जीरे के ऊपर। और ये जो हमने तड़का तैयार किया है ये हम पानी में डाल देंगे, जो हमने पानी पहले तैयार करके रखा हुआ था ये वाला। मिक्स कर लेंगे इसे तड़के को हम पानी में अच्छे से, और साथ में कुछ थोड़े से धनिया के पत्ते डाल रही हूँ बारीक कटे हुए, तो यहाँ पर मैं थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दे रही हूँ। और ये पानी हमारा तैयार हो गया है, चटपटा सा खट्टा सा पानी। मूंग के बड़ों को रखे हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए फूल गए हैं बड़े हमारे, बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं फूल कर। तो अब इसका पानी हम इस तरीके से दोनों हाथों की हथेलियों से दबाकर निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने इसका पानी निकाल दिया और पानी के साथ इसका काफी ऑयल भी निकल गया है और ये हम इसमें डालते जाएंगे। अच्छी तरीके से हम इसे दबाकर इसका पानी निकालेंगे। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे दबा दिया है और बहुत ही सॉफ्ट बड़े बड़े बन के तैयार हुए हैं देखिए। तो ये इसमें डाल देंगे और अगर आप इसे तुरंत खाना चाहते हैं तभी पानी में डालिए, अगर आप इसे तुरंत नहीं खाना चाहते और बना के रखना चाहते हैं तो इसे आप 2 दिन तक आराम से इस तरीके से पानी निकालकर आप इसे एक लंच बॉक्स में या एयरटाइट डब्बे किसी में भी रखकर इसे आराम से खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सूखा इसे रख सकते हैं बिना पानी में डाले, और जब भी खाना हो तो इस तरीके का पानी बनाकर आप इसे खा सकते हैं। तो खाने के टाइम ही हमें इसे पानी में डालना है वरना नहीं डालना, और 2 दिन ये आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होता है 2 दिन तक। और ये पानी वाले मूंग के बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, साथ में हेल्दी भी हैं। मैंने इसे डीप फ्राई जरूर किया है लेकिन काफी सारा तेल आप देख पा रहे हैं कि पानी में काफी सारा तेल निकल गया है जब मैंने इसे प्रेस करके निकाला है तो, और मेरे हाथों पे भी काफी सारा तेल भी आ गया है। तो इसको हम हटा देते हैं पानी को, और ये देखिए बड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं। जब भी सर्व करना हो बिल्कुल ऐसे ही बना के सर्व कीजिए, और अगर आपको तुरंत नहीं खाना तो इसको आप किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर 2 दिन तक खा सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटपटी सी मूंग दाल की रेसिपी तैयार है, और जरूर ट्राई कीजिए इसे, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में, धन्यवाद।